दुनिया के कई मोर्चों पर जंगी आहट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 9। यूक्रेन रूस के खिलाफ जंग में सैमटी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी पुष्टि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। एंटी रेडिएशन मिसाइल से लैस इस सिस्टम की मारक क्षमता 15 किलोमीटर तक की है। इससे एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। पिछले एक हफ्ते से अमेरिका के कई शहरों में मिलिट्री मूवमेंट को लेकर कई तरह की आशंका जताई जा रही है, तो बीते 48 घंटे में अमेरिकी आर्मी का डिप्लॉयमेंट और तेज हुआ है। इस बीच न्यूक्लियर क्षमता वाले B-2 बॉम्बर्स भी एक्शन में दिखाई दिए। अमेरिका के साथ कनाडा में भी मिलिट्री मूवमेंट की तस्वीरें आई हैं। ट्रेनों के जरिए हथियारों की मूवमेंट की जा रही है। मिलिट्री मूवमेंट को लेकर नेटो के किसी बड़ी तैयारी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। रूस से लगने वाली सीमा पर नेटो के 3 लाख सैनिकों की तैनाती है। यूक्रेन को हथियारों और गोला बारूद की मदद करने वाले जर्मनी के पास अब सिर्फ 20,000 हाई एक्सप्लोजिव आर्टिलरी शेल्स ही बचे हैं। गोपनीय दस्तावेजों के हवाले से कहा गया है कि अगर जर्मनी को 30 दिनों तक युद्ध लड़ने की जरूरत पड़ी तो 2,30,000 तोप गोले बनाने की जरूरत पड़ेगी। बेलारूस में रूस की एटमी तैनाती के बाद यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन बेलारूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। यूक्रेन बेलारूस से डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ सकता है। संसद में पेश किए प्रस्ताव में यूक्रेन की तबाही के लिए बेलारूस को जिम्मेदार ठहराया गया। रूस के एटम हमले की धमकी और नाटो देशों के बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज को देखते हुए नाटो अपना डिफेंस बजट बढ़ाने पर विचार कर रहा है। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि डिफेंस बजट GDP का कम से कम 2% होना चाहिए। यूक्रेन जंग में अमेरिका समेत पश्चिम के कई देशों के वॉलंटियर्स ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। कई मोर्चों पर ये वॉलंटियर्स रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। रूस पहले ही कह चुका है कि पश्चिम देश सीक्रेट तौर पर महायुद्ध में शामिल है। यूक्रेन को सैन्य मदद देने को लेकर बुल्गारिया के राष्ट्रपति और वहां की नई सरकार आमने सामने आ गई है। राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार देने से ये जंग और विध्वंसक होगी, जबकि PM डेनकोव ने यूक्रेन को सैन्य मदद को सही ठहराया है। रूस की पैसिफिक फ्लीट ने ओकोटा सागर से जापान सी तक डमी ऑपरेशन चलाया। वॉर ड्रिल के अंतिम चरण में पैसिफिक फ्लीट ने युद्धपोतों के जरिए जवाबी हमले की प्रैक्टिस की, तो रूस की मिसाइल फोर्स ने 100% एक्यूरेसी के साथ डमी ठिकानों को ध्वस्त किया।